हेलो दोस्तों, जेके टॉक कुकिंग में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। और आज आपके सामने लेकर के आए हैं कि मेदू बड़ा कैसे तैयार करते हैं। तो वीडियो में लास्ट तक जुड़े रहें, वीडियो को स्किप ना करें। तो आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो आज बनाने वाले हम लोग मेदू बड़ा। मेदू बड़ा बनाने के लिए सबसे पहले और दाल की ज़रूरत पड़ेगी, जो कि हम लोगों ने ले लिया है। और इसको जो है 2 से 3 घंटे हम लोग भिगा देंगे। जब ये अच्छी तरीके से भीग जाएगा तो इसको 2 से 3 पानी में धुल लेना है, जो कि हम लोगों ने धुल लिया है। और इसको जो है एक ग्लेंडर में हम लोग डाल दे रहे हैं पीसने के लिए। जब ये अच्छी तरीके से पीस जाएगा तो इसमें हम लोग क्या क्या चीज़ें मिक्स करेंगे, तो वीडियो में लास्ट तक बने रहें। तो ये जब तक पीस रहा है, उसके बाद जो इसमें हम लोग क्या क्या चीज़ें मिक्स करेंगे आइए दिखाते हैं। तो ये हींग का पानी है, और आगे जो है ये काली मिर्च और जीरा है, और इधर कट करके रखा है हम लोगों ने धनिया, कढ़ी पत्ता, हरा मिर्च और थोड़ा सा अदरक, जो कि इसमें हम लोग मिक्स करेंगे। तो आइए देखते हैं, जब तक ये पीस चुका है, बिल्कुल ये पीस चुका है, अब इसको एक बर्तन में हम लोग निकाल लेंगे। अगर आप घर में बनाना चाहते हैं तो मिक्सी में भी पीस के बना सकते हैं। मिक्सी में पीस करके हाथों से फेंट लीजिएगा तो अच्छी तरीके से ये बन जाएगा। तो ये पीस चुका है और इसको एक बर्तन में निकाल लेते हैं। तो ये पीस चुका है और इसको हम लोगों ने निकाल लिया है। अब इसमें मिक्स कर रहे हैं कटा हुआ धनिया, कड़ी पत्ता, हरा मिर्च, और इसमें थोड़ा सा डालेंगे नमक, और इसमें डाल रहे हैं अब थोड़ा सा काली मिर्च और जीरा, जो कि हम लोग थोड़ा डाल दिए। उसके बाद जो है हम लोग डालेंगे इसमें हींग का पानी, जो कि पहले से भिगा रखा है। तो अब डालने जा रहे हैं हींग का पानी थोड़ा सा। तो हींग का पानी अब डाल दिए। डालने के बाद जो है इसको अच्छी तरीके से जो है मिक्स कर लेना है। ये मिक्स हो करके रेडी हो चुका है फ्राई के लिए। तो एक एक करके हम लोग इसको तेल में डालते हैं। तेल में डालने के बाद जो है इसको एक स्टिक के माध्यम से इसको पलट लेंगे। तो हम आपको बताने वाले हैं कि मेदू वड़ा में जो है बीच में होल क्यों रखा जाता है। होल इसलिए रखा जाता है कि तेल जो है इसके सेंटर में आ जाए और ये चारों तरफ से अच्छे तरीके से पक जाए। अगर इसको डायरेक्टली डालेंगे तो बीच में कच्चा रह जाएगा, इसीलिए इसको बीच में होल किया जाता है कि ये चारों तरफ से अच्छी तरीके से पक जाए। तो ये मेदू वड़ा हम लोगों ने डाल दिया है और इसको जो है एक स्टिक से हम लोग जो है अब एक एक करके जो है पलट लेते हैं। पलटने के बाद जो है इसको एक छनोटे से चलाते रहना है, बिल्कुल रोकना नहीं है। अगर रोकते हैं तो ये जल जाता है, तो इसलिए इसको एक छनोटे से बिल्कुल चलाते रहना है। तो आइए हम आपको दिखाते हैं कि किस तरह छनोटे से चलाते रहना है, बिल्कुल इसको बिल्कुल वीडियो में लास्ट तक बने रहें। फाइनली ये मेदू वड़ा बनके अब रेडी हो चुका है, और इसको जो है एक छनोटे के माध्यम से एक छन्नी में निकाल लेते हैं। जो भी इसका एक्स्ट्रा ऑयल होगा वो नीचे आ जाएगा। तो देखिए मेदू वड़ा का कितना अच्छा कलर आया है और ये कितना क्रिस्पी और क्रंची बना हुआ है। जब इसको खाएंगे तो बहुत ही अच्छा टेस्ट आपको मिलेगा। तो ये गार्निशिंग प्लेट में अब हम लोग इसको एक एक करके सजा लेते हैं। और ये वीडियो आपको अगर अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। तो ये देखिए बिल्कुल एक प्लेट में लगा दिए। अब ये नारियल का चटनी रख दिए, ये सांभर रख दिए, और ये स्पेशल चटनी टमाटो की है। वीडियो देखने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत